कहानी है मेरी माँ की। ये है मेरी माँ का घर। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। बहुत छोटा था तभी एक दिन पता चला कि मेरे पापा गुजर गए। उसके बाद माँ ने ही मुझे बाप और माँ दोनों का प्यार दिया। आज बड़ा होके जब सोचता हूँ कि इस मुश्किल दुनिया में एक औरत होके रहना कितना कठिन है, तो माँ के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। लोगों ने क्या क्या बातें बनाई होंगी। मुझे मेरे दोस्त ने ही एक बार कहा कि मेरी माँ ने ही मेरे पापा का खून किया है। मैंने उससे दोस्ती खत्म कर ली। मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? पापा और मेरे सिवा उनका था ही कौन इस दुनिया में? फिर वक्त बीतता गया। शादी के बाद मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया और माँ से थोड़ी दूरियां बन गई, पर हम अक्सर वीडियो कॉल कर लेते थे। पर देखो ना, बहुत दिनों से मैंने उनको फोन तक नहीं किया। अपने काम और बच्चों के एग्जाम्स में इतना बिजी हो गया था कि माँ का ख्याल ही नहीं आया। फिर एक दिन मुझे पता चला, मेरे पड़ोसी ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे घर में से कुछ दुर्गंध आ रही है और डोर लॉक्ड है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, माँ तो अंदर ही होगी। मैंने फौरन फोन काट के माँ को फोन किया। पर मेरा फोन किसी ने नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी। मुझे अपने बेटे को दोपहर में स्कूल से लाना था, तो मैं फौरन जा भी नहीं सका। और उसके बाद म्यूजिक क्लास और दिन भर के रूटीन्स। मैंने पड़ोसी को बता दिया कि कल सुबह तक आके चेक करता हूँ। मेरे मन में गुस्सा और चिंता दोनों थी। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? 6 महीने पहले उन्होंने अपना फोन तोड़ लिया था, तो मैंने उन्हें नया फोन दिलाया था। फोन साइलेंट पे रख के सो रही होगी। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? माँ से अभी 1 महीना पहले ही तो बात हुई थी। माँ को पेंटिंग करने का शौक है। कुछ खास नहीं बनाती, यूं ही वक्त काटने के लिए कुछ बना लिया करती थी। बोल रही थी कि मेरी याद आ रही है। मैंने उनको बोला था कि एग्जाम्स चालू हैं तो खत्म होते ही मिलने आऊंगा, और उस बात को काफी वक्त बीत गया, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तो फिर दिन भर का काम निपटा के मैंने सुबह सुबह निकलने की तैयारी कर ली। मैंने सोचा कि अकेले ही जाऊंगा और अगले दिन शाम तक वापस भी आ जाऊंगा। माँ अभी भी फोन नहीं उठा रही। मेरा गुस्सा और बढ़ गया था। माँ इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? मैं सुबह सुबह माँ के घर पहुंच गया। मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने नहीं खोला। कोई नहीं खोल रहा है। शायद घर पर कोई नहीं होगा, कहीं बाहर गई होगी। नहीं नहीं, माँ कभी कहीं नहीं जाती। तो फिर तो ताले वाले को ही बुला सकते हैं। तो थोड़ी देर में एक ताले वाले ने आके दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल के जब मैं अंदर गया तो अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब सी बड़ी बड़ी मक्खियां सब जगह थी। मैं घबराहट में माँ को आवाज लगाने लगा। माँ, माँ, माँ कहाँ हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। माँ शायद वहां नहीं थी। पर जब मेरी नजर कोने में रखी उनकी रॉकिंग चेयर पे पड़ी, तो मैं सन रह गया। उस पे माँ बैठी थी बिना हलचल के। वो देख के मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई।
मैं फौरन भाग के उनके पास गया और उनको उठाने के लिए उनको जरा हिलाया तो वो एक तरफ झूल गए। मैं घबरा के फौरन पीछे हट गया। मैं समझ चुका था कि माँ मुझे छोड़ के जा चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे पर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मैं अपने आप से जूझ रहा था। अचानक मैं खुद को अनाथ महसूस कर रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगा। जिस माँ ने मुझे बचपन से पाला पोसा मैं उसके आखिरी दिन कभी उसके साथ नहीं था। डरते हुए मैंने माँ का चेहरा देखा। सूख सा गया था। शायद कई दिन हो गए होंगे। अरे बाप रे, रुको रुको, छूना मत। मैंने सुना है पहले पुलिस को बताना पड़ता है। दूर हट जाओ। अब मैं उसी कमरे में पड़ा पड़ा रो रहा था। माँ की बहुत याद आ रही थी। जो शरीर मेरे सामने पड़ा था अब वो अपना सा नहीं लग रहा था। थोड़ा और गौर से देखा तो माँ के हाथ में ब्रश दिखाई दिया। वो मेरी तस्वीर बना रही थी जो अब जमीन पर पड़ी हुई थी। मेरी माँ मुझे याद करते हुए मर गई और मुझे हिचकी तक नहीं आई। देर बाद पुलिस आई और उनके शरीर को एक एम्बुलेंस में डाल कर ले गई। बोले पोस्टमार्टम होगा। घर को ताला मारा और मुझे दो दिन बाद आने बोला। खैर वो सारा प्रोसेस हो गया और अब कुछ दिन बीत चुके थे। कल रात माँ की बहुत याद आ रही थी। उनकी तस्वीर से काफी देर तक बात की। मुझे नहीं पता था कि माँ भी मुझको याद कर रही होगी। लेकिन अचानक रात में मेरी आंख खुली और मैंने देखा ऐसे ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।